इंडिया के अंदर ये इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करती है। नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था पहली इंटरनेशनल टीम इंडिया की थी जो वहां पे रिस्पॉन्स करने के लिए पहुंची थी। साथ ही जापान में फुकुशिमा में न्यूक्लियर पावर रिएक्टर फटा था उसके भी अंदर भी हमारी यहां से टीम ने अप्रोच किया था। तो हम इंटरनेशनल भी किसी चीज में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी डिजास्टर मिटिगेट करने के लिए करते हैं, ऊपर कर लेते हैं, ऐसे ही उसको हर लेवल से ऊपर करना है। ये काम केवल एक्टिविटीज में होगा, हाथ पाओ में होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पेट में तोड़ने की उल्टा नहीं रहता है इसके सर ऊपर कर दिया, ये नहीं करना। तो एक्टिविटीज है उसको हम ऊपर कर सकते हैं, जैसे ही पाइप से ऊपर प्रेशर पॉइंट। अभी साइंस इसको इस बारे में मना भी कर रहे हैं, पर ये भी आपके एक्टिविटीज में ही काम आएगा कि जहां से पाइप आगे पानी जा रहा है इसलिए आप उसको मोटर को बंद नहीं करते, उसको बंद कर देते हो ना, फिक्सा देते हो, जैसे पाइप जा रहा है उसको पांव रख दिया आपने, तो वो उसको रक्त बंद बांध देते हैं, जो कहीं इसको स्नेक पाइप में इस्तेमाल करते हैं। रक्त बंद बांधने के लिए आप कोई भी धागा ले सकते हो, उस धागे को या रस्सी, उसको उसको जहां से चोट लगी है जहां से ब्लड बह रहा है उसके दो इंच ऊपर की तरफ ध्यान रखने के लिए रखते हैं कि उसको पैन में लकड़ी का टुकड़ा फंसा के उसको गोल गोल घुमाते हैं और उसको थोड़े टाइम बाद में वापस रिलीज भी करना है, क्योंकि लोअर कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पार्ट में और प्रेजेंट रहने के कारण और ऑक्सीजन ब्लड नहीं जाने के कारण उसमें जहर बन जाता है और सीरियस लैंग्वेज में, और जैसे इस बंद को आप 2-4 घंटे बाद खोलते हो तो आपकी डेथ का कारण ही बन सकता है।